हेलो फ्रेंड्स, मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आज 27 सितंबर है, दुर्गा पूजा का द्वितीय है आज, और आज मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है, इसलिए मेरे लिए सचमुच बहुत खास दिन है। हाँ, लेकिन आज कुछ भी मैंने स्पेशल नहीं, क्योंकि उसका डिमांड था कि मुझे हल्ला गुल्ला नहीं करना है, मुझे कुछ सिंपल सा एक बर्थडे मना दो, मेरे को होटल में ले जाकर खिला दो मेरा फेवरेट फूड, बस मेरा बर्थडे हो गया। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, आराम से। देखिए, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं सोई हुई हूँ। उन लोगों को मैं दोपहर का खाना दे दी हूँ, दाल चावल सब्जी सिंपल, वो बोला था क्योंकि यस्टरडे जो था मेरी दीदी का बेटा का बर्थडे, बहुत हैवी खाना होटल में हो गया था, इसलिए वो बिल्कुल मना कर रहा था कि मुझे आज कुछ भी मतलब हैवी नहीं खाना है, कम से कम दिन में तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपनी दीदी के बेटे का जो बर्थडे है वो एक दिन पहले जो सेलिब्रेट हुआ था उसको दिखा देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू माना, सेलिब्रेशन हुआ था, दीदी के कुछ नेबर्स और हैं और बस हम लोग, ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, 10 से 11 लोग हैं बस। अच्छा लगा होटल में, और मैं मुझे टाइम मिला ना तो मैं थोड़ा सा रील्स भी बना ली। रील्स थोड़ा सा क्या, मैंने 3-4 रील्स बना लिए और दीदी के साथ भी एक रील्स बना लिया, और ये सारे रील्स जो मेरे चैनल पे हैं, आप प्लीज़ एक बार जा कर के विज़िट करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, सारे रील्स बहुत फ़नी हैं। और उसके बाद देखिए, ये मैं ओजस का बर्थडे के दिन का है, अचानक से ओजस बोल दिया कि बस मुझे अब बाहर नहीं जाना है, मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, अब मैं सारा प्रिपरेशन घर में करूँ। मैं इतनी हड़बड़ा गई थी, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सका घर में बनाया, जैसे सलाद है, रायता, पूड़ी, और ये सब मैंने घर में बनाया, और सारी जो सब्जी थे वो बाहर से मंगवा लिया, और जैसे ओजस बोला उसके हिसाब से ही घर में ही सेलिब्रेशन हो गया। तो देखिए उसका सेलिब्रेशन, केक काटने से पहले मैंने दिया जला करके और टीका अक्षत छीट करके उसको आशीर्वाद दे दिया, जो कि हिंदू धर्म में एकदम ज़रूरी चीज़ होता है। उसके बाद वो केक, जो कि हम लोगों की परंपरा तो नहीं है, लेकिन अब कहिए कि हमारा कल्चर ही बन गया है ये, उस विधि से अपना जो भी वो जिसको करना था, ये हम लोग सब करते ही हैं, वो तो करना ही था, लेकिन ये भी जो हमारी परंपरा है हिंदू धर्म की, वो भी मैं हमेशा करती हूँ, ताकि बच्चे भी अपने परंपरा के लिए जागरूक रहें, अपने परंपरा को समझें, अपने धर्म को समझें। सारे बड़ों ने उसे अच्छा छिट करके आशीर्वाद दिया, फिर वो अपना केक काटा। हमेशा मुझकी भी चाहता है कि मुझे भी बिल्कुल इक्वल जो है दुलार प्यार मिले जब उसका बर्थडे हो तब। इसलिए जब मैंने उसको केक खिलाया तो बिल्कुल मतलब क्या बोले, उसका चेहरा कैसा हो गया, फटाक से हम उसको खिलाया, और पीछे मनन भी था उसको भी खिलाया। उसको एकदम इक्वल जो है प्यार दुलार चाहिए, वरना वो गुस्सा हो जाता। और देखिए, केक तो समझिए आधा फिनिश ही हो गया। केक वगैरह काटने के बाद हम लोगों ने जो है स्टार्टर लिया, थोड़ा सा चाउमीन और मंचूरियन और केक के साथ, सीखे सारे लोग खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड है, छोटा वाला बेटा है, मिली है, मोबाइल चला रही है। मोबाइल तो भाई किसी के हाथ से छूटता है नहीं, कोई फंक्शन नहीं, ये सब मिली का ही डेकोरेशन है। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो बैलून फुलाए, ऑफिस से आते ही इन लोगों ने पकड़ लिया, और जल्दी से आप बैलून लगाइए। मैं तो कुछ कर नहीं पाई थी, क्योंकि मैं मुझे तो मनाना नहीं था घर से। देखिए, मैंने घर भी ठीक ठाक नहीं किया था, जैसे था वैसे ही इसका बर्थडे हो गया। ये पूरा घर का लोग जैसे होता है, जैसे बर्थडे वगैरह मनाना होता है तो मैं एक दिन पहले से सारा घर को ठीक ठाक करने लगती हूँ, वैसा कुछ भी नहीं किया था, जैसे था घर वैसे ही था। ये मेरी दीदी जिया जी जो यहाँ पे स्टार्टर खा रहे हैं अपना, और जिया जी फ़ोन पे लगे हुए हैं, और ये मेरा किचन जिसकी बहुत बुरी हालत है, अभी देख सकते हैं।
और मेरा भी काम कर करके बुरा हाल हो गया है पूरा। अभी होटल में जाती तो थोड़ा सा भागम भाग तो कम होता है, लेकिन सचमुच घर में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बहुत रिलैक्स थे और आराम से फैमिली मेम्बर आपस में गपशप कर रहे थे, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, कोई बाहरी लोग तो थे नहीं इसमें। और इस तरह से हमारा जो बड़ा बेटा का बर्थडे है, ये देखिए दीदी खाना ले रही है, क्योंकि हम लोग का 10:30 के करीब हो गया है, जल्दी जल्दी खाना है सबका। सुबह में अपना ऑफिस है, स्कूल है, तो सब लोग तो देखिए अब सारा घर जो है वो इतना मतलब मैसी हो गया है। अभी सबके जाने के बाद मुझे साफ़ करना होगा, कोई बात नहीं, बेटा का बर्थडे में इतना तो होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।